तो नूहू में हुए बवाल पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी रवि चंदेल से। रवि, अब तक क्योंकि नूहू में हुए बवाल को 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक क्या सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं, जरा ओवरव्यू दीजिए। देखिए, सरकार की तरफ से नूह में हुए हिंसा के बाद जो है वो लगातार जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे हम पैरामिलिट्री का जिक्र करें तो 20 पैरामिलिट्री की कंपनीज जो है वो नूह के अंदर जो है वो डिप्लॉय की जानी, जिसमें से 13 पैरामिलिट्री कंपनीज जो है वो नूह के अंदर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो 7 लगते जिलों से जो है वो बुलाया गया है और मौजूदा समय के अंदर जो है वो स्थिति पूरे तरीके से कंट्रोल में जो है वो लगभग हो चुकी है। और जिस तरीके से 11 बजे एक बार फिर से जो है वो मीटिंग की गई थी जिला उपायुक्त द्वारा, जिसमें दोनों ही समुदायों के प्रमुखों को बुलाया गया था और साथ ही साथ गुरुग्राम के होना में भी जो है वो 11 बजे मीटिंग की गई थी, वहां पर भी दोनों ही समुदायों के प्रमुखों को जो था बुलाया गया था ताकि एक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल और जो अमन शांति है वो एक बार फिर से कायम हो सके। इन्हीं तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम मैटर को, कहां पे क्या कुछ देखने को मिला, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना नू के अंदर जिस प्रकार से हुई है, मुझे तो इसमें एक षड्यंत्र की बूर नजर आती है। जिस प्रकार से एक धार्मिक यात्रा के ऊपर सुनियोजित ढंग से पत्थरबाजी छतों से की गई पहले, और फिर उसके पश्चात गोलियां दागी गई, जो गाड़ियां हैं उनको जलाया गया, ये एकदम अचानक घटना होने वाली बात नहीं नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कि कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें जो हरियाणा प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहती है, हरियाणा में अशांति पैदा करना चाहती है, हरियाणा के प्रदेश का भाईचारा खत्म करना चाहती है, हरियाणा प्रदेश का सौहार्द खत्म करना चाहती हैं, ये ऐसी फोर्सेस का कृत्य है जो उन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत कड़े कदम उठाते हुए ऐसे तथ्यों की जांच करनी चाहिए, ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए कि किन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है और किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। सरकार पूरी तरह से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सिचुएशन कंट्रोल में रहे, चाहे वो केंद्र की तरफ से हमने 20 कंपनी जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांगी हैं, 13 ऑलरेडी वहाँ डिप्लॉय हो चुकी हैं और बाकी की जो 7 कंपनी हैं वो भी पहुँचने वाली हैं। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों से जो पुलिस फोर्स है उसको भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा, इसको बनाने के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है करनी चाहिए। ऐसे लोगों का चेहरा लोगों के सामने लाना चाहिए जिन लोगों के द्वारा ये जो षड्यंत्र, जो मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र रचा गया है, ऐसे लोगों को लोगों के सामने लाना चाहिए। सर, आपने जिक्र किया सुनियोजित तरीके से, यदि हम बीते सेशन का जिक्र करें तो बीते सेशन के अंदर जो है वो फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान और पुनहाना से विधायक मोहम्मद इलियास द्वारा जो था इस मुद्दों को लेकर जो है वो विधानसभा के पटल पर भी बात रखी गई थी। उस समय सोनू मानेसर का नाम भी आया था और सोनू मानेसर जो है वो मौजूदा समय के अंदर राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट वॉन्टेड भी है। किस तरीके से देखते हैं सौहार्द, आखिरकार जो यात्रा थी वो कई सालों से निकलती आ रही है और निकलती भी रही, लेकिन किसी तरीके की हिंसा जो थी वो नहीं देखने को मिली। विधानसभा के पटल पर भी सवाल जवाब पूछे गए थे, किस तरीके से देखते हैं, कहां पर जो है वो चूक होती हुई नजर आई आपको जिस तरीके से ये हिंसा भड़की? नहीं, देखिए, जो आपने विधानसभा, पिछले विधानसभा सत्र का जिक्र किया, उसमें कुछ ऐसी बातें जरूर कही गई जिनको हमने लगा कि ये आपसी स्वार्थ के लिए ठीक नहीं।
लेकिन मैं समझता हूं कि जो विधायक हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, और उनको नू के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति बहाली में सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, कोई कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ सरकार को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए कि इस प्रकार की जो दरिंदगी, मैं कहूँगा जिस प्रकार से हुई है, या जिस प्रकार से प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, वो दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। सर, विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर सरकार पर जो है वो सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि समय रहते जो है वो सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंध जो है वो नहीं किए। आपने भी कहा कि सुनियोजित तरीके से ये पूरा हिंसा का कांड जो है, घटनाक्रम रहा, वो लगता है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का लैप्स आप समझते हैं, जिस तरीके से जो CID थी उनके द्वारा समय रहते सूचना नहीं दी गई, और यदि सूचना दी गई तो उसके ऊपर जो है वो उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। अतिरिक्त पुलिस बल जो पहले बुलाना चाहिए था, वो अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो नहीं बुलाया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं तो कहा है कि एक जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जहां पे भी लैप्सेस हुए हैं, चाहे वो पुलिस के स्तर पर हैं, चाहे वो CID के स्तर पर हैं, किन लोगों की जिम्मेवारी थी, जो लोग, जिन लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन थी वो आगे इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी, अगर इन्फॉर्मेशन गई है तो वहाँ पर उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी, या ये जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र की जानकारी जो खुफिया विभाग है उसको सरकार को देनी चाहिए थी। अगर सरकार को इस बात की जानकारी दी गई होती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स और लिए जा सकते थे, कड़े पुख्ता जो हैं वो सुरक्षा प्रबंध और ज़्यादा किए जा सकते थे। तो जहाँ पर भी ये लैप्स हुआ है, या जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, ये एक जांच का विषय है, और जांच के पश्चात, और जांच भी जल्दी से जांच हो करके, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग, चाहे वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे या कोई जनता के बीच में से जो भी कोई व्यक्ति जिसने इस षड्यंत्र को रचने का काम किया है, उनको सख्त से सख्त सजा जो है, वो तो एक जैसे उग्रवादियों वाला एक उन्होंने कार्य है, कृत्य जो है वो किया है, ऐसे लोगों को उसी हिसाब से डील किया जाना चाहिए। सर, जिला प्रशासन जो है वो लगातार अमन और शांति कायम करने के लिए दोनों ही समुदायों के साथ जो है वो बैठकें कर रहा है, चाहे नू जिला उपायुक्त का जिक्र कर लें, गुरुग्राम जिला उपायुक्त का जिक्र कर लें, आप क्या मैसेज देंगे प्रदेशवासियों को, खासतौर पर नू का प्रदेश जिलावासियों को? देखिए, मैं तो सभी हरियाणा प्रदेश के वासियों को, विशेष तौर पर नू और उसके आसपास के जिलों के अंदर रहने वाले सभी भाइयों से अपील करूंगा कि आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे, किसी भी प्रकार से जो असामाजिक तत्व हैं उनके चंगुल में ना फंसें, और आपस में मिलजुल करके इस समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अमन और शांति को जो है वो कायम रखें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि कहीं पे कोई चूक जो है वो रही है तो उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से जांच जो है वो की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका रवि चंदेल, बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से।